अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है राजकोट के अंदर और रविचंद्र अश्विन ने आज अपनी 500 विकेटें मुकम्मल की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चले गए टेस्ट मैच छोड़कर। फैमिली रीजन थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आई है, जो भी रीजन आई है उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि वो जल्दी से अपनी जो मेडिकल क्लियर क्लियर करें और वापस टीम को ज्वाइन करें, लेकिन ये तीसरे टेस्ट मैच के लिए वो चले गए हैं और इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया है। देखिए, मेरी तरफ से वेल विशेस है, जो भी मसला मसाइल है रविचंद्र अश्विन का वो मामला था ना, और जल्दी से टीम को ज्वाइन करे। पहली मानी इंडिया की टीम जो फंस गई है, आपने देखा होगा कि आज जिस तरह बेन डकिन ने अटैक किया तो इंडिया की टीम पहले नीचे लगी हुई थी, और बॉलर जो है वो एक चोट होना, जो उनका स्ट्राइक बॉलर है उसका टेस्ट मैच छोड़ के चले जाना। मैं ये भी अपने ऑडियंस को बताता चलूं कि देखिए, जो 12 मैन आएगा ना वो सिर्फ फील्डिंग कर पाएगा तो बॉलिंग नहीं करा पाएगा, तो रविचंद्र अगर छोड़ के गए टेस्ट मैच तो इसमें इनको रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाली है, वो बॉलिंग नहीं कराएगा, वो सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग ही करेगा। और बैटिंग में जब आएंगे तो 10 विकेटों पर आएंगे, 9 विकेटें जब होंगी तो ऑल आउट हो जाएगा इंडिया, उसमें बैटिंग में भी एक बैट्समैन शॉर्ट होगा तो काफी स्ट्रगल करने वाला है। और जिस तरीके से आज इंग्लैंड ने अटैक किया तो ये टेस्ट में इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चलते हुए टेस्ट में इनको छोड़ चलेगी। अब रीजन तो देखिए मेडिकल रीजन है, जिसको बीसीसीआई ने भी सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी ट्विटर पे जो अकाउंट है उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल सपोर्ट करें रविचंद्र अश्विन का जो फैसला है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने भी वेल विशेस का इजहार किया कि जो भी उनके मसले मसाइल है तो उनको उन्होंने बिल्कुल बैक किया है, तो जेन्युइन तो रीजन है, इनकी फैमिली इशू है तो इस वजह से छोड़ दिए। लेकिन इंडिया को इस मैच में जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो जडेजा है, जडेजा अब देखें विकेट नहीं ले पा रहे हैं, अभी वो उन्होंने 4 ओवर कराए, 33 रन खा चुके हैं। उम्मीदें बहुत थी कि अश्विन जो है वो आएंगे और विकेट लेकर देंगे, लेकिन अब अश्विन तो नहीं है। और बेन डकिन जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड अपने 6 के रन से खेल रहा है, अगर कल का पूरा दिन आप तो ये खेलेंगे क्योंकि अश्विन नहीं है तो ये बड़े रन बनेंगे, और मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड है वो बड़ी लीड भी ले, अगर लीड ले ली उसके बाद देखिए चौथी इनिंग में जाके जब विकेट ने टर्न करना है तो फिर अश्विन की जरूरत थी वहां पर, विकेट टर्न करने के लिए अश्विन बॉलिंग में अश्विन की जरूरत नहीं थी ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत ही जेन्युइन रीजन की वजह से गए। जो रविंद्र जडेजा है उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब बुमराह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डबल हो गई है। अब देखिए एज ए फास्ट बॉलर इस विकेट को कितना परफॉर्म कर पाते हैं, देखिए वो भी क्लास के बॉलर हैं और उनको भी चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो उस पे खेलने का मजा आता है। तो बुमराह और रविंद्र जडेजा को अपने कंधों पे अपनी जिम्मेदारी आने वाले जो बैट्समैन है ना इंग्लैंड के वो बहुत खतरनाक है। जोनी ब्रेस्टो, बेन स्टोक, बेन फॉक्स, जोए रूट क्रीज पे हैं, अब जिन्होंने आउट करना था ना अब वो चले गए। बस भाई आप देखिए जडेजा उतने विकेट नहीं ले सकते, वो 2-3 विकेट लेते जरूर है, लेकिन साथ अश्विन की हेल्प चाहिए होती है। अब वो अश्विन की हेल्प नहीं होगी तो ये इंडिया की जो बॉलिंग है ना, और इंडिया की बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह का जो स्पेल है ना, सॉरी मैं आपने बात काटी है, जो स्पेल होता है वो छोटा छोटा होता है, अब ज्यादा बड़ा जब स्पेल कराएंगे तो उनकी बॉलिंग इफेक्ट होगी, तो इंडिया के पास सिर्फ खोने के अलावा अश्विन और कुछ नहीं। इस जो इनकी जो बैटिंग लाइनअप है, बहुत सारा बॉलिंग लाइनअप है, इसमें ऐसे बॉलर है जो कि उनकी जगह कुछ ओवर कर सके, यानी कि जिस तरह बॉलर को देने के लिए ओवर कराने होते हैं तो कोई ऐसे हैं जो के बॉलिंग भी कर सके। मेरा कराने का तो रोहित शर्मा भी बॉलिंग करा लेंगे, यानी कि उनको बॉलिंग करवानी पड़ेगी इस तरीके से, क्योंकि यहां पर आपको देखेंगे कि इंडिया पीछे चला गया इस टेस्ट मैच में। अब इंडिया मेरा ख्याल है बचाने के लिए टेस्ट मैच बचाने के लिए खेलेगा, एक तरफ तो बॉलर नहीं इनके पास, जसवाल भी बॉलर नहीं है, रोहित शर्मा भी बॉलिंग नहीं है, शुभमन गिल भी बॉलिंग नहीं कराते तो बॉलर नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं एक तरफ से देखिए वहां से अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, बेन डकिन 100 प्लस पे खेल रहे हैं, 100 प्लस की स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, अभी बेन स्टोक्स ने आने हैं, जोनी ब्रेस्टो ने आने, तो बैटिंग के बाद इंग्लैंड भरपूर है, तो इंग्लैंड एकदम से ना ऑल ऑफ द सडन यहां से ना मेरे ख्याल मैच को ना वो करते हुए नजर आएगा, कमांड करते हुए नजर आएगा। और इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर है, अनफॉर्चुनेटली अश्विन के लिए और इंडियन टीम के लिए बड़ी बुरी खबर है, लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर है, इंग्लैंड इसको अच्छी खबर कंसीडर बिल्कुल नहीं करेगा। बेसिकली तो क्रिकेट सेंस में तो है ना, देखो उनको बेनिफिट मिल गया ना इस टेस्ट मैच में, उनको बेनिफिट मिल गया, एक बॉलर शॉर्ट होगी इंडिया की टीम तो स्ट्रगल करते हुए उनको बेनिफिट तो मिल गया ना, मैं इस सेंस में बात कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।